ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल ज्योतिष मार्ग में। दोस्तों करवा चौथ पर सुहागिनी महिलाएं भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं मिलेगा व्रत का फल। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं, लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को ये पता नहीं होता कि करवा चौथ पर क्या करें क्या ना करें। इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, साथ साथ करवा चौथ व्रत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ साथ इस वीडियो में आपको करवा चौथ व्रत को किस प्रकार करें जिससे कि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो, संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों करवा चौथ व्रत सुहागिनियों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी को आमतौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे काम बताए हैं जिन्हें की भूल कर भी सुहागिनी महिलाओं को नहीं करने चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनियों को चाहिए कि इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनियों को चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार में सज धज कर रहें और अच्छा भोजन करें। इस दिन सुहागिनियों को लहठी पहनने से पति की लंबी आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के दिन आप भूल कर भी इन गलतियों को ना करें, जैसे कि सुहागिन की वस्तुएं लहठी चूड़ी बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कचरे में आप ना फेंकें। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि आप पहनते वक्त टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्राहित कर देना चाहिए और अपने सुहाग की कामना करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन सिलाई कढ़ाई कटाई आप ना करें, साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग आप ना करें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करने चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन सतियों की कथा पौराणिक कथा सुन पढ़कर या कीर्तन भजन अथवा गायन वादन से अपने समय को शुभ बना सकते हैं, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस दिन मांस मदिरा मछली अंडा और मुर्गा आदि जैसी तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए। जिसकी पत्नी करवा चौथ व्रत करती हैं, उन्हें भी करवा चौथ व्रत के दिन इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। यदि आप चाहती हैं कि करवा चौथ व्रत और पूजा का आपको संपूर्ण फल मिले, तो इस दिन भूल कर भी उजले भूरे या काले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। इस दिन किसी भी आदमी को दूध दही चावल या उजला वस्त्र आदि नहीं देने चाहिए। वैसे तो सभी दिन अपनों से बड़ों का सम्मान और आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन खासकर इस दिन अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में आप ना लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा या अपशब्द
बोलने की इस दिन आप गलती ना करें, भूल कर भी किसी का अपमान ना करें, किसी के बारे में कोई गलत बात, कोई भी गलत ख्याल अपने मन में इस दिन ना लाएं। अपने मन में इस दिन शुभता रखें, भजन कीर्तन करें, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सामान एक दिन पहले या दो दिन पहले खरीद लेना चाहिए। साथ ही साथ इसमें सास को देने वाला सामान भी सम्मिलित रहना चाहिए। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए अगर आप ऑफिस में काम करती हैं तो आपको करवा चौथ के दो दिन पहले मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ अगर आपको करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना है तो आप अपने शगरी को करवा चौथ के दिन एक दिन पहले ही रात्रि को ही बनाकर रख लें, जिससे सुबह उठकर सिर्फ उसे गर्म करके खाया जा सके। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आप अपने काम पर जाने के लिए लेट होंगे। साथ ही साथ शगरी में तला, चिकना और ज्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि इस दिन चीजों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लग सकती है। इन चीजों का सेवन करने से और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती, इसलिए इन चीजों का सेवन से बचना चाहिए आपको। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से एक नारियल तोड़वाकर उसका जल आप अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन प्यास की कमी महसूस नहीं होगी और पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े, आभूषण आदि पहनने हैं उसे एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें, जिससे करवा चौथ के दिन आपको किसी भी प्रकार की जल्दी ना हो सके और आप आसानी से पूजा के लिए समय पर तैयार हो सके। करवा चौथ के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना श्रृंगार पूरा कर ही आपको पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके आपको। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही आप साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर लें। ऐसा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजन के लिए खाना बना सके तो अच्छा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन दो पूरी और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा कर लें, इसके बाद चाहे तो आप बाहर जाकर भी खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिन्हें आप करवा चौथ के दिन जरूर करें, जिससे पति पत्नी के जीवन में हमेशा सुख रहेगा, सुख समृद्धि भरेगी, प्रेम जीवन उनका बहुत ही आनंद में सुख में रहेगा। दोस्तों इसमें जो सब प्रथम उपाय है, वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रही कड़वटाहटों को दूर करने के लिए आप करवा चौथ के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मिठास पैदा होती है। इसके साथ ही आप भगवान शिव और माता पार्वती को इस दिन मीठा पान जरूर अर्पित करें, इससे पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ता है। साथ ही साथ करवा चौथ के दिन खाने में मीठा जैसे खीर, हलवा या लड्डू जरूर शामिल करें। ऐसा ना हो पाए तो बाजार में से आपको मिठाई खरीद कर ले आए। सबसे पहले इसका भोग आप भगवान शिव मां पार्वती को लगाएं और फिर इसके बाद आप इनका सेवन करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पति पत्नी के बीच यदि कोई झगड़ा होता है तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय आनंद में होगा। और साथ ही साथ आप इस दिन क्या करें, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन आप भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में सुखमय रहता है आपका दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं, इसलिए इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए
गणपति अर्थव शीर्ष का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से समस्त दुखों से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, पति पत्नी में आपसी प्रेम हमेशा बना रहता है। या दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ नियम बताए जिन्हें आपको जरूर अपनाना चाहिए, जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिल सके। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हर महादेव। जय मां पार्वती।